तो एक बावला सा, एक पागल सा आदमी गोवा चला था। स्थिति कैसी थी उसकी, कौन था वो बावला? नंगे पाव पाव लेके गाने लिखे सने हुए बह रहा कुछ कुछ वक्त भी था काटे के पाँव चुभे। ओहो भैया से मिलने के लिए बेताब नंगे पैरों गोवा चला, काटे चुभे हुए हैं रक्त रंजित पैर हैं उसके, और काले बाल धुरी घुस रिते पीले मुख में पढ़े हुए जैसे की भयानक आती वे सूर्य देवे हुए उस पर और उसकी कहीं मही मज कर कस के साथ साथ वो मुनियों वाला जी। बहुत बड़े ऐसी व्याकुलता, कहीं धनुष कहीं तीर कहीं मुनियों वाला जी। और चाहते क्या है भारत, चाहते हैं पहले चरणों में शीश झुका लूंगा, पर राम चाहते हैं पहले छाती से उसे लगा लूंगा। आखिर रघुवर की जीत हुई बाहों में उठा इससे पहले वो पाँव चुमे छाती से लगा लिया उसको। जब हृदय का मिलन हुआ तो दूर हृदय का ताप हुआ, अब सबने देखा चित्र को मन ऐसे भरत लीला ऐसे भरत लीला ऐसे भरत लीला ऐसे भरत लीला बोलो ऐसे भरत लीला ऐसे भरत लीला बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जी की जय हो। भरत चाहते हैं कि मैं चरणों में शीश झुका लूंगा, समझूंगा चरण, और जब तक भैया दर्शन में की हाँ नहीं होने के तब तक नहीं समझाऊंगा। लेकिन श्री राम चाहते हैं पहले उसको हृदय से लगा लूंगा, आखिर रघुवर की जीत हुई बाहों ने उठा लिया उसको, और इससे पहले वो पांव छुए छाती से लगा दिया उसको। बिलख करके रो पड़ा भरत, आंखों से सुबह दोनों भाइयों के कह रही थी, और रोते रोते भरत कह रहे थे भैया जो छोड़ आए अवध को, जो छोड़ आए तुम छोड़ भैया मुझे बताओ तो सही
मुझे क्यों पिसा दिया, मुझे क्यों पिसा दिया, पूछ रहे थे। एक दिन मेरी माताएं जा रही थी यहां पर इस प्रसंग का, एक दिन भरत को राम मिले वन में, नौजवान खुशी मनाई मन में। हाँ यही थी ना पंक्तियां माता, एक बार गा दो उसकी गाना माता जी। राम को भरत मिले वन में तो खुशी, जा रही थी माता खुशी, सारा हाल पूछ रही, पिता का हाल बता रही है, पिता कैसे, सारा हाल पूछा भरत से, सारा हाल कह सुनाया, पिता का पता लगा, बहुत कष्ट हुआ श्री राम। और माताओं बहनों धर्म प्रेमी बंधुओं, फिर उस जंगल में उस वन में एक खेल शुरू हुआ था, एक खेल शुरू हुआ, राजगद्दी की गेंद बना करके दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, एक राम है और दूसरा। कवियों ने लिखा कि राजगद्दी की गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, इधर राम ने उधर भरत ने, दोनों ने ठोकर मारी, दोनों ने ठोकर मारी, खेलन लगे खिलाड़ी। भैया अयोध्या के राजगद्दी को संभाल लो, वापस पहुंच चलो भैया, वापस पहुंच चलो, मैं हाथ जोड़ता हूं घर लौट चलो। हाथ जोड़ करते क्रंदन घर लौट चलो हे रघुनंदन, तुम्हें याद कर रो रहे हैं सभी, तुम्हें याद कर रो रहे हैं सभी। भैया वापस लौट चलो, श्री राम नहीं लौट रहे। महाराज जनक और बस सारी बातों को मुझे रोक करके कहना होगा, निवेदन करना होगा, गुरुवर वशिष्ठ ने भी राजा जनक के ऊपर जिम्मेदारी सौंप दी, आप कुछ निर्णय करें। श्री राम और भरत जी ने समर्पण कर दिया है, आपका जो निर्णय होगा स्वीकार होगा। भरत ने देखा है जनक जी की तरफ और देख करके बोले हे धर्म पिता, मेरी तरफ देखो, मेरे समर्पण को देख लो अच्छी तरह से, मेरे विषय में अगर किसी से कुछ पूछना हो तो पूछ लो, गुप्तचरों से कोई सूचना लेती हो तो ले लो, मैंने अपने भैया से निश्चित निष्कपट प्रेम किया है, मेरे इस प्रेम का ध्यान। ओह वो भाइयों की स्थिति देख करके महाराज जनक ने अपना निर्णय दिया और राजा जनक ने अपना निर्णय देते हुए कहा कि सारी स्थिति परिस्थिति को देख करके मुझे ये साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि श्री भरत लाल जी का पलना भारी है, भरत का पलना भारी है। ओह जब ये कहा तो भरत के मन में खुशी हुई, हाँ अब मेरे पक्ष में निर्णय हो जाएगा, अब महाराज जनक विदेहराज जनक कह देंगे श्री राम को लौट जाना चाहिए, मैं अपने भैया को वापस ले चलूंगा। लेकिन जैसे ही ये कहा ना कि भरत का पलड़ा भारी है, किंतु अब ये दो तीन शब्द ऐसे हैं कि इसको कहते ही जो है ना मामला फिर उनका शुरू होता किसी आदमी की कोई प्रशंसा कर रहा था, आप बहुत बढ़िया आदमी, तो बहुत अच्छा आदमी, बहुत सदाचारी, बहुत सज्जन, किंतु किंतु बहुत अच्छा, मतलब गड़बड़ ज्यादा
जब ये कहा भरतवाल का पढ़ना भारी है किंतु किंतु क्या तुम्हारा जनक ने कहा भरत तुमने यदि प्रेम किया है ना अपने भैया श्री राम से तो अपने भैया श्री राम से पूछो। प्रेमी अपना स्वार्थ नहीं देखा करते, प्रेमी के जीवन में स्वार्थ नहीं होता, समर्पण होता है भरत, समर्पण होता है। तुम अपने भैया से पूछो वो क्या चाहते हैं, उनका जो आदेश हो वही मानते। तब भरत ने श्री राम से कहा भैया बताओ मेरे आदेश। श्री राम ने कहा भरत भैया मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, जानता हूं तेरा मन भरत, मैं ये अयोध्या की राजगद्दी स्वीकार करता हूं भैया। भरत भी खुश हो गए और श्री राम बोले किंतु मैं पिता के वचन को भी भंग नहीं कर सकता। झर आंसू बह रहे हैं भरत के मुख से, आंखों से झरझर आंसू। मैं ये राजगद्दी स्वीकार करता हूं परंतु भैया 14 वर्ष के बाद ही मैं अवध में लौट पाऊंगा, ये राजगद्दी तब तक मैं तुम्हें सौंपता हूं, तुम्हें सौंपता। रोते हुए भरत ने श्री राम की तरफ देखा और श्री राम की तरफ देख करके ये कहा भैया मेरे प्रेम का कोई मोल नहीं लगाया आपने, मेरे प्रेम का कोई मोल नहीं लगाया। हा श्री राम बोले थे ओ भरत जो प्रेम करते हैं ना प्रेमी मोल नहीं लगाया करते, तुमने मुझसे प्रेम किया है तो फिर मोल भी लगाया करते हैं प्रेमी तो फिर मोल भी लगाया करते हैं। भैया के चरणों पर प्रणाम किया और एक निवेदन किया कि भैया आपका आदेश शिरोभाग्य अयोध्या लौट जाऊंगा। अरे भैया मैं उस अयोध्या की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, आपका चौकीदार बन करके चौकीदारा करता रहूंगा, चौकीदारा करता रहूंगा। एक चरण पादुकाएं मुझे दे दो, इनको अयोध्या के राज सिंहासन पर ले जाकर के रखूंगा, ले जाकर के रखूंगा। श्री राम के चरण पादुका और सर पर रख लिए भरत जी ने वो चरण पादुका को खड़ाऊं। शेष पे निशानी के चला दिया, खड़ाऊ ने चला
और दूर तक भरत पीछे मुड़ मुड़ करके देखते गए, शायद भैया अब ही बुला ले। लोगों राज गति मिल रही थी, भरत के सामने अयोध्या का साम्राज्य था, लेकिन खुश नहीं था भरत, प्रसन्न नहीं था, मन में एक दर्द था। भैया बन गए हैं, मैं महलों में भरा कैसे रह सकता। लौट आए थे, राज सिंहासन पर खड़ा हो गए थे और स्वयं नंदी ग्राम में जाकर के तपस्वियों के वेश में तपस्वियों का जीवन जीने लगे थे। माताओं बहनों धर्म प्रेमी बंधुओं, राज गति की बहन बना दी अयोध्या में आ गए और श्री राम बगीचे के कूप पर है रहते रहे कुछ समय तक। पुर नर भरत प्रीति में गाई, मति अद्भुत अनूप सुहाई। पुर नर भरत प्रीति में गाई, मति अद्भुत चित्रकूट में कुछ समय तक श्री राम रहते रहे, वेद की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीते रहे, चरित्र किए सुखी। सुखी वेद को कहते हैं, वेद के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, अपने जीवन और एक भी सकल मुनि ने सौ विगा प्रदाई, सकल मुनि ने सौ विगा प्रदाई, सीता सहित जगे सो प्रभु तारीफ़ का कहीं वचन सुनाए
सकल मुनि ने सो विदा कराए, विदा करा के चल पड़े चित्रकूट को संविधान ने छोड़ दिया। अपनी ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं, स्वागत किया है अपनी ऋषि ने श्री राम का, और उनकी धर्म पत्नी है माता अनुसुईया। अपने पास में जगत माता अनुसुईया ने जनक नंदिनी भगवती सीता को अपने पास बैठा दिया। वैदेही आप उतरी मेरे पास बैठ, मुझे ऐसा ही चांद जैसे तेरी बात सुनना। दिव्य भूषण आभूषण सुंदर आभूषण प्रदान किए हैं भगवती सीता को माता अनुसुईया ने, और वहां पर बहुत सुंदर उपदेश माता अनुसुईया का मिलता है। चार तरह की पतिव्रताओं की चर्चा करती है माता अनुसुईया। आज अवकाश नहीं है मुझे इस चर्चा को करने का, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, हम माताओं को बहनों को सुननी चाहिए। उपदेश सुना, आशीर्वाद प्राप्त किया, और फिर श्री राम ने उनसे अपने रहने योग्य स्थान पूछा। उन्होंने कहा सर्वंग ऋषि आपके आश्रम में चले जाएं। सर्वंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे थे, वहां रहने योग्य स्थान पूछा। सर्वंग ऋषि ने सुदीक्षण ऋषि के आश्रम श्री राम को भेजा और कहा कि वो आपके रहने योग्य स्थान का चयन और प्रबंध कर देंगे। सुदीक्षण के आश्रम में पहुंचे, फिर अगस्त ऋषि से भेंट हुई और पंचवटी में जाकर के श्री राम के लिए स्थान नियत किया गया, और पंचवटी में श्री राम रहने लगे। समय बीतता गया, समय बीतता गया। एक दिन सोपन का रावण की बहनी, सोपन का रावण की बहनी, पुष्प हृदय नारुण जस भरे, पंचवटी सौ कई बारा, पंचवटी सौ कई बारा, जुगल तुम्हारा, जुगल तुम्हारा।